हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज आप सभी को चैप्टर 7 और 8 का क्लास टेस्ट देना है। चैप्टर 7 आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब सिर्फ आपको चैप्टर 7 और 8 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एज ए क्लास टेस्ट आप सॉल्व कीजिए और हमें सेंड कीजिए, ओके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बच्चों आप लोग अपनी कॉपी ओपन कीजिए, डेट मेंशन कीजिए और अब क्वेश्चन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर ए, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिए गए मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखें। बी में आपको करना क्या है, फिल इन द बॉक्सेस जिसमें आपको यहाँ पर दिए हैं फ्रैक्शन 2/8, ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू 10 और डिनोमिनेटर आपको फिल करना, यानी ये इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो लिखने हैं। इसी प्रकार से बी का क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है, डिनोमिनेटर फिल करना है जबकि 4/5 फ्रैक्शंस दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच 7/9 और 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सभी बच्चों को लिखने आते हैं, सभी बच्चों को आते हैं और आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म, दिए गए फ्रैक्शंस को आप, जिसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोवेस्ट फॉर्म, आप उसे छोटी सी छोटी संख्या में छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, उन्हें हम कहते हैं लोवेस्ट टर्म। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। बच्चों ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले करना क्या है बच्चों, दिए गए मिक्स फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको आप यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है सभी बच्चों को, यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनका जो है एलसीएम फाइंड करके, जैसे यहाँ 2 और 3 है बच्चों, तो जब भी डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स होते हैं तो बच्चों ऐसे में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स नंबर्स जो होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका एलसीएम होगा, जैसे 2 × 3, ठीक है। तो जब 2 × 3 हो जाएगा, इसके बाद जो है आप एलसीएम पर फाइंड कर लिया आप लोगों ने, यस, अब आप इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एफ में देयर आर 80 चिल्ड्रेन इन अ पार्क, पार्क में कितने बच्चे, 80, इफ 2/8 ऑफ देम आर गर्ल्स। बच्चों पहले आपको करना क्या है, 2/8 ऑफ 80, ओके। तो अब सबसे पहले अब आप जो है 2/8 of 80, 8 से 80 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, एंड 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो जब 20 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल बच्चे कितने हैं 80, 20 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे बच्चों 60, ओके। इस प्रकार से आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो नहीं आते हैं तो बच्चों कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोग तुरंत मुझसे डिस्कस कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्द से जल्द करेक्शन के लिए हमें सेंड कीजिए, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।